मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर था वो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर पर था उसमें ये पूरी टॉपिक कवर नहीं हुआ था तो उसी जो नेक्स्ट आज का लेक्चर है वो भी क्या होगा स्पीड कंट्रोल ऑफ़ इंडक्शन मोटर पर लेक्चर नंबर टू होगा तो हमने वहाँ पर पढ़ रहे थे कि स्पीड कंट्रोल क्यों पढ़ किया जाता है वो तो समझ चुके थे स्पीड कंट्रोल के दो मेथड होते थे जो हम पढ़े थे एक क्या है जो आप प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एन आर इक्वल टू एन एस वन माइनस एस मतलब एक पर क्या करेंगे स्लिप पर कंट्रोल करेंगे और दूसरा सिंकोन स्पीड पर करेंगे तो स्लिप कंट्रोल में क्या था आपके तीन मेथड हैं एक वोल्टेज से बदल करके स्लिप को बदल सकते हैं दूसरा रोटर रेजिस्टेंस ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं स्लिप को बदल सकते हैं और तीसरा मेथड क्या है रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड के थ्रू हम लोग स्लिप को क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं तो हम ये मेथड वोल्टेज कंट्रोल मेथड और रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं इन दोनों में डिसएडवांटेज ये था कि इन दोनों के लिए हम टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं और इसकी क्योंकि इसमें क्या होता है कापल लॉसेज बढ़ जाते हैं इसमें क्या होता था करंट बढ़ जाता था करंट बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कापल बढ़ते थे इसमें आप रेजिस्टेंस ऐड कर देते इसलिए कॉपर लॉसेज बढ़ जाते थे और इस एफिसंसी कम हो जाती थी और इसमें स्पीड क्या होती थी हमेशा बिलो द बेस स्पीड होता था मतलब बेस स्पीड मतलब सिंकोनस स्पीड से ऊपर हम लोग इसकी स्पीड नहीं कर सकते थे क्लियर है उसमें ये दोनों ये सब डिसएडवांटेज थे तीसरा मेथड जो आज हम पढ़ने जाएंगे रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड इस मेथड के बारे में हम लोग समझते हैं कि रोटर इमेफ इंजेक्शन मेथड क्या होता है रोटर इवेफ इंजेक्शन मोटर में क्या होता है एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये आपका क्या होगा ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होंगे और इस ये तीन स्लिप लगे होंगे और इसको क्या करेंगे हम थ्री फेज सप्लाई भी देंगे स्टेटर को और रोटर को भी क्या करेंगे हम लोग थ्री फेज सप्लाई कहीं से इसको थ्री फेज सप्लाई इसको भी देंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए इसकी फ्रिक्वेंसी जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या होती है एस इन एफ़ होती है एफ आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ होती है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो जो आप इस, इसकी फ्रिक्वेंसी इसको दे रहे हैं मतलब स्टेटर रोटर पे जो फ्रिक्वेंसी लगा रहे हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी एस एफ के बराबर होनी चाहिए तो ये वोल्टेज क्या करेगा इसके अंदर जो इंड्यूज इंडिज है और जो इंजेक्टेड ई एम जो इंजेक्टेड आपने वोल्टेज लगाया है वो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होने से क्या हो जाएंगी या तो दोनों क्या हो जाएंगे उन दोनों में फेज डिफरेंस मिलेगा या तो दोनों वोल्टेज आपस में जुड़ेंगे या तो दोनों वोल्टेज घटेंगे अगर जीरो डिग्री पर है तो दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे अगर वन एट्टी डिग्री का फेज डिफरेंस है तो दोनों वोल्टेज घट जाएंगे अगर थर्टी डिग्री का सिक्सटी डिग्री का वन डिग्री का है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे एलजेब्रिक सम कर दिए जाएंगे ठीक है मतलब हम क्या कर रहे हैं रोटर पे भी क्या कर रहे हैं सप्लाई दे रहे हैं और स्टेटर को तो सप्लाई दे ही रहे हैं क्लियर है लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आप सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी बदलती रहनी चाहिए क्योंकि रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है बदल रही है तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी कि रोटर पर जो भी हम वोल्टेज देंगे जो भी सप्लाई देंगे उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी बदलती रहनी चाहिए क्योंकि रोटर की फ्रिक्वेंसी भी बदलती है और हमने बोल दिए हैं कि दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल रहनी चाहिए इंस्टेंटली हर समय मतलब प्रत्येक क्षण समय के साथ साथ अगर इसका फ्रिक्वेंसी बदल रहा है रोटर का तो आपने जो अप्लाई किया है जो आपने वोल्टेज इंजेक्ट किया है जो आपने वोल्टेज को दिया है इनपुट मतलब इसको भी इनपुट के साथ मतलब यहाँ पर भी दिया है रोटर में उसकी भी फ्रिक्वेंसी बदलनी चाहिए अब ये है आप समझ में आ आप ऑटोमेटिक आ रहा होगा कि ये मेथड किस में केवल केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग कर सकते हैं स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर को आप अलग से सप्लाई नहीं दे सकते हैं वही हमने लिखा है इस मेथड में रोटर को एक्सटर्नल ई दिया जाता है इसलिए यह ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किए जाते हैं अभी एक लाइन हमने वो लिखा इस मेथड में एक्सटर्नल इमेज की फ्रिक्वेंसी का मान रोटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर अवश्य होनी चाहिए मतलब ये तो मतलब शुड भी, भी मतलब हंड मतलब इसकी वैल्यू श्योर है ये क्या हो? क्योंकि ये वोल्टेज ऐड होते हैं या ऐड होने के लिए या होने के लिए या जब्रिक्स सम होने के लिए दोनों की फ्रिक्वेंसी का बराबर होना अति आवश्यक होता है ये तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी जानते हैं तो इस मेथड से स्पीड का मान इंजेक्टेड ईएमएफ के फेज पर डिपेंड फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है मतलब फेस का कैसा है इस पर ये डिपेंड करेगा अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपने वही जैसे पिछले हमने लिया था कि रोटर के इम्पिडेंस को हम क्या करें स्टेटर के इम्पिडेंस को इग्नोर कर दिए हैं आपके रोटर को ले लिया है रोटर के इम्पोडेंस हमने लिया ये एस टू है और ये क्या आर टू डे आर टू बाई एस डे हटा दीजिए कोई आवश्यकता नहीं है हमने रिफर नहीं करते हैं इस बार ठीक है कॉल हम रोटर के रेजिस्टेंस को ही ले रहे हैं ठीक है यहाँ से आपका क्या हो गया ई आईजू इंजेक्टेड हुआ मतलब ये क्या है इंजेक्टेड जो आपने अलग से रोटर को सप्लाई दिया है मतलब ये आपका जो स्लिप रिंग था इस स्लिप रिंग पर आपने क्या किया था अलग से सप्लाई इंजेक्ट किए थे वो ई e आई बोल रहे हैं और जो क्या है एसी टू क्या है एसी टू एयर गैप की वजह से ये क्या है आपका रोटर है इस रोटर में एक एयर गैप की वजह से पैदा होता है, इस को क्या बोल रहे हैं इंडिव्यूज बोल रहे हैं ठीक है ये क्या है ये स्लिप पर डिपेंड करता है ये तो हमें पता भी है अब बात करते टार्क की तो जो टार्क होता है टी इजक्ल टू क्या होता है पीजी अपन ये तो हम भी जानते हैं और यहाँ से पी जी इक्वल क्या लिख सकते हैं E2 I2 आई थीटा 2 ठीक है अब थोड़ा सा आपको समझ में ये सोच रहे होंगे कि सर आप यहाँ पर एस ई क्यों नहीं लिखे हैं एस ई इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी हमने फेज अभी हम लोग रोटर के ऊपर बैठ करके मतलब रोटर के ऊपर बैठ करके हमने रिफरेंस किसको लिया रोटर को लिया है तो जब रोटर का रिफरेंस लेंगे तो उस समय वोल्टेज जो हो होगा वो ई होगा और जब हम स्टेटर पर बैठे होंगे तब हम रोटर पर जो वोल्टेज देखेंगे वो क्या होगा वो ए टू होगा ठीक है मतलब अगर रेफ्रेंस अगर मिस्टेटर को लेंगे तो रोटर को में जो ई एम एफ होगा वो एसी टू होगा और जब हम रेफरेंस किस को लेंगे रोटर को लेंगे उस समय जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको ई टू लेते हैं इसलिए हमने यहाँ पर ई टू लिखा है ई टू आई टू कास्टिटा टू अपॉन ओमेगा एस तो ई टू क्या है आपका अब देखिए क्या है e2 आपका कांस्टेंट है और i2 v कैप क्या, क्या है कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो टार्क है जो टार्क है उसको कांस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा i2 cos थीटा 2 को भी क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट होना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है सिंक्रोनस स्पीड होती है तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है मतलब इसको कांस्टेंट होने के लिए आपको आई टू का होना पड़ेगा हमने हमेशा ध्यान लेके जो भी हमने यहाँ पर ड्रीवेशन कर रहे हैं हम लोग ले रहे हैं कि TL आपका क्या है कांस्टेंट है जब TL कांस्टेंट होंगे तो टी ई इलेक्ट्रोमैगनीटार्क जो इसमें डेवलप होगा वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा ठीक है अब बात करते हैं कांस्टेंट लोड टॉर्क की बात करते हैं वही हमने जो वही बोले थे कि हम ऐसा हम जो भी डेरिवेशन करेंगे वो कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए करेंगे अब कांस्टेंट लोड टॉर्क की बात करें तो आई टू कास्ट थीटा टू क्या है आपका कांस्टेंट होगा क्लियर है आई टू कास्ट हिटा टू का कांस्टेंट होने का अर्थ है कि कास्ट हिटाउ छोल्टू क्या होता है कास्ट हिटाउ छोल्टू होता है आर अपान जेड ये हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हैं तो ये आर अपान आर टू अपान जेड टू लिख दिए जेड टू इसलिए लिखे हैं क्योंकि रोटर में रजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों होता है तो इसलिए हमने लिखा है अब यहाँ पर क्या है ध्यान से देखिए आर टू की वैल्यू जो है वो एस एस टू से क्या होगी बड़ी होगी ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें इसको भी अगर हम एस लिख दें अच्छा रहेगा ये जे एस एस टू ले लें और इसको हम क्या ले लें इसको आर टू ले लें ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए हमने बना दिया है ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल नहीं है पहली बात तो और ये एस एस टू है यहाँ से आप देखेंगे इस वाले कंडीशन से देखेंगे कि आर टू क्या है आपका आर टू आपका बहुत बड़ा है और एस एस टू क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा क्योंकि क्या है एस एस टू इसलिए छोटा हो जाएगा नॉर्मल स्पीड की बात करते हैं जब एन एस उसको टू लगभग एन आर हो तो एस एस की वैल्यू क्या होगी डेसिमल में होगा दो परसेंट मतलब पॉइंट जीरो टू परसेंट तो पॉइंट जीरो टू परसेंट का अर्थ ये हुआ पॉइंट जीरो कि एस टू क्या हो गया बहुत छोटा हो गया एस टू क्या होगा बहुत छोटा मतलब आर टू क्या है बड़ा है मतलब जो इंडक्शन मोटर है वो किस तरह से काम करेगा यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करेगा तो यूनिटी पावर फैक्टर का अर्थ क्या हुआ यूनिटी पावर फैक्टर का अर्थ हुआ कि आर टू है एस टू नहीं है मतलब इसको इग्नोर कर दिए हैं लगभग अब यहाँ पर क्या है इस कंडीशन में I2 आई टू हमने क्या लिया है कांस्टेंट ले रखा है कांस्टेंट इसलिए ले रखा है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट लिया है क्योंकि लगभग ये तो आपको जीरो नहीं होता ना ये ये तो जीरो नहीं होता इसलिए हमने आई टू को हमने कांस्टेंट मान लिया अप्रॉक्सीमेट ये कंडीशन कब थी ये कंडीशन तब थी मतलब ये कंडीशन थी अब हम एक कंडीशन ले रहे हैं विदाउट इंजेक्टेड ई मतलब हम रोटर में

अंडर रूट आर टू स्क्वायर होल आर टू का स्क्वायर प्लस एस वन एस टू का स्क्वायर ये कंडीशन था विदाउट विदाउट इंजेक्टेड ई दूसरी कंडीशन बात करते हैं विथ इंजेक्टेड मतलब जब हम रोटर में क्या कर सकते हैं ई को लगा देते हैं मतलब अलग से एक्सटर्नल या इंजेक्ट ई इंजेक्ट कर देते हैं रोटर में उस समय जो क्या होगा उस समय अब करंट क्या हो जाएगा बदल जाएगा क्यों बदल जाएगा क्योंकि आपका वोल्टेज बदल गया वोल्टेज पहले ये था अब इसके अंदर एक और वोल्टेज हो गया ऐड हो गया अब ये क्या हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा ये वोल्टेज ऐड भी हो सकता सब हो सकता है अगर इसका फेज इसका फेज और इसका फेज जीरो फेज डिफरेंस हो तो ये दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे अगर ये इसका फेज डिफरेंस इन दोनों का फेज डिफरेंस वन एट्टी डिग्री हो तो ये घट जाएंगे क्लियर है इसलिए यहाँ पर वोल्टेज बदल रहा है तो करंट भी बदल जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर I2 टू डैश लिख दिया है और रेजिस्टेंस तो वही रहेगा R2 और S2 S2 ये हो जाएगा अब चूंकि क्या होगा करंट की बदल वोल्टेज के बदलने से आपका स्लिप भी बदल जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर एस टू लिख दिया है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं I2 R2 टू आर अब ध्यान दीजिए 다 और समझते हैं पीछे हम लोग पढ़े थे i2 cos थीटा 2 क्या होंगे कांस्टेंट होंगे किस कंडीशन में अगर हम लोग tl को क्या मान लोड तार को कांस्टेंट मान लिया तो cos थीटा को हम क्या लिखे थे याद कीजिए इस कंडीशन में हमने i2 cos थीटा को r2 अपान j2 लिख दिया था तो वही हमने लिख दिया r2 j2 ठीक है आर टू अपान जेड टू का अर्थ हुआ कि आई टू तो हमने एच टी लिख दिया और जेड टू को आर टू यह भी लिख दिया और जेड टू को आर टू का स्क्वायर प्लस एस वन एस टू का स्क्वायर और इसके बाद ये कंडीशन ये जैसे इसको आप लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा आई टू आर टू जेड टू प्लस आई टू डैश और आर टू जेड टू ठीक है ये भी अब यहाँ पर हमने वही चीज लिखा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर आई टू डैश आ जाएगा जो आपने रोटर में इंजेक्ट कर दिया है 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 क्योंकि ये क्या है? ये क्या कांस्टेंट और यहां से टू की वैल्यू हमने एज इट इज लिखा जेट टू फिर हमने एज इट इज लिख दिया जैसे पहले लिखा हुआ था ठीक है अब यहां पर हमने जो हमने करेंट की वैल्यू निकाली थी पहले आई टू और आई टू डैश की वैल्यू जो पीछे निकाले थे आई टू एंड आई टू डैश इस वैल्यू को क्या करेंगे इस इक्वेशन में यदि हम क्या करें इस में करते हैं तो पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान देखिए I2 में क्या है एक में क्या है एस ई वन और रूट के नीचे वही है और इसमें क्या एस ई टू प्लस एस ई टू प्लस ई आई हो जाएगा तो एक में ऐड कर दिए एक में आपने क्या किया एक में यहाँ पर विदाउट ई इंजेक्टेड ई मेफ है और इसमें विथ इंजेक्टेड ई मैफ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो एस एक चीज है यहाँ पर आर टू आर टू कैंसिल आउट हो जाएंगे और आई टू की जगह क्या लिखेंगे एस ई टू और रूट में जो है वही नीचे आ जाएगा तो दो बार रूट रूट क्या हो जाएंगे ये रूट आपका हट जाएगा इसी प्रकार से, इसी प्रकार प्रकार से से अगर आप देखेंगे इसमें क्या होगा इस आई टू में एस एस टू ई टू प्लस ई आई और आर टू डैश प्लस एस टू एस टू आ जाएगा तो यहाँ भी रूट क्या हो जाएगा इसके नीचे एक और रूट है इसकी वजह से एक रूट आएगा सेम वैल्यू तो यहाँ पर भी रूट हट गया तो यहाँ पर आपने क्या पिया पाए कि यहाँ पर जो आप एस वन पा रहे हैं यहाँ से आप ध्यान दीजिए अगर यहाँ से एस टू निकालें ये यह एस टू यहाँ से निकालते हैं तो एस टू की स्कल टू क्या ये पूरी पूरी धर चला जाएगा ये पूरा पोर्सन इस साइड चला जाएगा और ये पोर्सन नीचे आ जाएगा ये पूरा मतलब कहने का अर्थ ये हुआ लिख भी देते हैं एस टू टू यहाँ से यहाँ से एस टू टू का लिखें तो ये क्या हो जाएगा आ टू आर टू प्लस एस टू एस टू का स्क्वायर अपान सेम चीज़ यहाँ फिर आ जाएगा अगर ध्यान से देखिए ये R2 टू ये दोनों नहीं थोड़ा सा बदल गया है और ये R2 टू प्लस एस वन एक्स टू का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एस टू है तो एस टू हम निकाल लेते हैं और यहां पर क्या आया एस वन एस वन ई वन ई टू था सॉरी ई टू और यहां पर आया ई टू टू प्लस ई आई मतलब अगर ये वैल्यू ये आपका ध्यान फिर यहाँ दोबारा लिख दे टू प्लस माइनस ई आई मतलब अगर ये क्या हो जाएगा ध्यान से रखिए तो आप खुद सोचिए अगर इसमें ई एम एफ ऐड हो रहा है अगर इसमें ई एम एफ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी नीचे की वैल्यू बड़ी होने का अर्थ है कि एस टू छोटी हो जाएगी क्लियर है मतलब नीचे की वैल्यू आप ऐड किए ऐड हुआ तो ये क्या वैल्यू होगी मतलब ऐड करने पर मतलब ई आई जब क्या होगा ऐड होगा ई आई जब ऐड होगा तो एस टू क्या हो जाएगा एस टू आपकी छोटी हो जाएगी और एस वन क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी और जब ई आई क्या हो जाएगा सब घट जाएगा या हो जाएगा तो घट जाने पर एस टू क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और S1 घट जाएगा क्लियर है मतलब क्या है अगर आप रोटर में जो ई इंजेक्ट किए हैं अगर वो एड हो रहा है तो जो एस टू मतलब घट गया एस टू घटने का अर्थ हुआ कि कि आपका N2, एन टू क्या हो गया बढ़ गया मतलब रोटर में ई e क्या होगा जुड़ेगा तो स्पीड भी क्या होगी जुड़ेगी अगर रोटर में ई e क्या होगा घटेगा रोटर में जो आपने ई e इंजेक्ट किया है अगर वो घटा रहा है तो घटने पर क्या होगा घटने पर आपने क्या पाया एस टू बढ़ेगा एस टू बढ़ेगा इसका मतलब स्पीड इस घटेगी मतलब रोटर में ई e जुड़ेगा रोटर में ईम जुड़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी रोटर में ईम घटेगा तो स्पीड घटेगी और भी किस स्पीड से अब वो बेस स्पीड पर मतलब अगर ऐड हो गया तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी बेस स्पीड से ऊपर चली जाएगी अगर रोटर में ईम घट गया तो उसकी स्पीड बेस स्पीड से नीचे चली आ जाएगी मतलब सिंकोनस स्पीड से नीचे हो जाएगी एक बार फिर से कंक्लूजन ये निकला अगर रोटर में इंजेक्टेड ईम जो आपने लगाया है अगर वो जुड़ जा रही है तो रोटर की स्पीड सिंकोनस स्पीड से एबव हो जाएगी और रोटर में जो आपने एम एफ इंजेक्ट किया है अगर वो घट रहा है तो रोटर की स्पीड सिंकोनस स्पीड से नीचे हो जाएगी मतलब आपने जो इसमें स्पीड का रेंज पाया है वोल्टेज स्पीड कंट्रोल पाया वो क्या है वाइड रेंज है मतलब ज़ीरो से लेकर के बेस स्पीड और बेस स्पीड से एबव तक ठीक है तो ये मेथड क्या है बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको वाइड रेंज मिल रहा है वही हम लिख रहे हैं इस मेथड में बिलो बेस स्पीड और एब बेस स्पीड भी प्राप्त होता मतलब बेस स्पीड से ऊपर भी मिलेगा और बेस स्पीड से नीचे भी प्राप्त होगी अब देखिए क्या हमने लिखा है बिलो बेस स्पीड को सब सिंकोनेस स्पीड मतलब नीचे अगर स्पीड है तो सब सिंकोनेस स्पीड कहेंगे और यदि ऊपर है तो हम क्या कहेंगे सुपर सिंकोन स्पीड बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट हमने लिखा मोटर की स्पीड इंजेक्टेड इमेप के फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर दिया जैसे अभी हम समझ देख चुके हैं ऐड हो रहा है तो जुड़ेगा वोल्टेज तो स्पीड बढ़ेगी और घट रहा है तो स्पीड घटेगी ठीक है अब हमने एक मेथड पढ़ चुके हैं कि स्लिप कंट्रोल स्लिप तीन तरह से हमने कंट्रोल किया था एक वोल्टेज कंट्रोल से किया था और दूसरा हमने किस पर किया था रोटर स्टेंस एक्सटर्नल रोटर स्टेंस जोड़ करके हमने स्लिप को कंट्रोल किया था और तीसरा हमने इंजेक्ट करके किया था अब जो नेक्स्ट स्लिप का तो हमने पढ़ चुका है पढ़ चुके अब हम लोग सिंकोनस स्पीड को क्या करके बदल करके स्पीड कंट्रोल पाएंगे तो यहाँ से आगे देखेंगे तो एन एस इज्वल टू वन ट्वेंटी एफ पी तो यहाँ से मतलब फ्रिक्वेंसी को बदलेंगे तो भी क्या हो जाएगा सिंकोनस स्पीड बदलेगी और सिंकोनस स्पीड बदलने से रोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी वो भी बदल जाएगी तो एक हुआ फ्रिक्वेंसी कंट्रोल दूसरा हुआ पोल चेंजिंग और तीसरा हुआ स्लीप पावर रिकवरी तीनों हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी कंट्रोल पढ़ते हैं कि फ्रिक्वेंसी कंट्रोल क्या होता है अब देखिए फ्रिक्वेंसी कंट्रोल यहाँ से अगर ध्यान देखिए एन एच वल टू वन ट्वेंटी एफ एफ पी मतलब क्या है फ्रिक्वेंसी को बदल करके आप क्या करेंगे एन एस बदल देंगे और एन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एन बदलेगा तो रोटर स्पीड भी क्या हो जाएगी वो भी बदल जाएगी क्लियर है अब ये देखिए मतलब इसको बदलने से मतलब हम फ्रिक्वेंसी को बदलने से क्या फायदा क्या नुकसान है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं देखिए अब देखिए जो फ्लक्स होता है जो फ्लक्स होता है वो बी बाई एफ के प्रोपोर्शनल होता है ठीक है अगर आप मान लेते हैं फिर फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो क्या होगा फ्लक्स भी क्या होगा आपका इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये इनवर्सल प्रोफेशनल है लेकिन हमें पता है कि फाई आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है तो फाइ कांस्टेंट होने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा उसी रेशियो में कम होना पड़ेगा ठीक है अब क्या है फ्रीक्वेंसी को आप लोग कैसे बदलते हैं आप तो इन्वर्टर के थ्रू इसको आप लोग बदल देते हैं लेकिन वोल्टेज को आप कैसे बदल लेंगे वोल्टेज को बदलने के लिए आप इसमें जो पी डब्ल्यू एम मतलब इन्वर्टर में जो आप पी डब्ल्यू एम कंट्रोलर लगाएंगे उससे क्या होगा उसके थ्रू बदल देंगे मतलब उसकी चौड़ाई को बदल बदल करके पल्स उसके बिट्स को बदल करके या मॉडलेट मॉडुलेशन करके चेंज करके हम लोग क्या करते हैं स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं अब यहाँ से वोल्टेज को बदलने से ये तो हो गया हमने लिख लिया अब यहाँ से एस एम टी एस एम टी क्या होता है आर टू अपान एस टू होता है और ध्यान देखिए जो आर एस टू क्या होता है एस टू में क्या होता है ओमेगा एस टू एक्स एल टू तो ओमेगा एल होता है मतलब ओ एक्स में क्या होता है ओमेगा में टू पाई एफ होता है मतलब इस एक्स में एक ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है तो वन बाई एफ़ मतलब फ्रिक्वेंसी के ये क्या है एस एम टी यूनिवर्सली प्रोफेशनल हुआ और यहाँ से देखिए एन एस टू वन ट्वेंटी एफ एफ पी तो यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये जो फ्रिक्वेंसी है तो जो इस सिंकोनर स्पीड है वो किस पर प्रोपोर्शनल है वो भी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है दो चीज़ हमें मिला और टार्क की बात करते हैं मैक्सिमम टार्क मैक्सिमम टार्क में क्या टू एस टू बराबर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा भी वन स्क्वायर अपान टू एस टू हो जाएगा ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं तो यहाँ से भी वन स्क्वायर और एस टू में क्या है यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी और यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी तो दो फ्रीक्वेंसी होगा तो एफ स्क्वायर हो जाएगा मतलब जो मैक्सिमम टार्क है वो एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल का अर्थ ये हुआ कि वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे उतना ही फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी क्योंकि b बाई एफ को क्या होना है कॉन्स्टेंट होना है मतलब आपका जो मैक्सिमम टार्क है मतलब फ्रिक्वेंसी के साथ साथ जो आपने जो टेक्निक लगाया है फ्रिक्वेंसी कंट्रोल इसमें आपका जो टी ई एम है मतलब मैक्सिमम टार्क वो क्या रहेगा कांस्टेंट होगा क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी या जितना फ्रिक्वेंसी कम होगा उतना ही वोल्टेज भी कम होगा इसका मतलब जो टी मतलब मैक्सिमम टार्क वो क्या रहेगा कांस्टेंट होगा आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं ध्यान से देखिए ये आपका ग्राफ बनाया गया है तो ये अलग है ये फिफ्टी हर्ट्ज है ये थर्टी हर्ट्ज है ये फोर्टी एट हर्ट है फिफ्टी फोर है सिक्सटी हर्ट है यहाँ पर जो मैक्सिमम टार्क जो टी एम है वो क्या है आपका वो कांस्टेंट आप पा रहे हैं ये थोड़ा सा और ये आप सोचेंगे ये कम है नहीं ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से आप मैक्सिम टार्क यहाँ इसको मिल जाएगा इस तरह से तो यहाँ पर क्या है आपका फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में जो आपका है जो मैक्सिमम टार्क वो क्या है कांस्टेंट है अब बात करते हैं स्टार्टिंग टार्क की बात करते हैं स्टार्टिंग टार क्या होता है यहां पर थ्री अपनगा वन स्क्वायर आर टू बाई एस टू आर टू बाई एस टू हो जाएगा तो यहां से अगर आप देखिए यहां पर एस टू स्क्वायर होता है तो एस टू स्क्वायर होगा तो भी वन स्क्वायर तो है ही इसमें एक फ्रिक्वेंसी है, और इसके अंदर दो फ्रिक्वेंसी है तो दो फ्रिक्वेंसी मिल करके क्या हो जाएंगे दो थ्री फ्रिक्वेंसी हो जाएंगे मतलब फ्रिक्वेंसी का क्यूब हो जाएगा और आपने जितना वोल्टेज बढ़ाया उतना फ्रिक्वेंसी बढ़ाया तो ये स्क्वायर स्क्वायर मतलब मतलब जितना आपने बोला वोल्टेज जैसे आपने लिखा v f क्या है आपका कांस्टेंट आपने लिखा तो v प्रोपोर्शनल टू f हुआ v इस तरह लिखना v प्रोपोर्शनल टू f हुआ मतलब ये भी क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब इसकी जगह भी आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी क्यों हो जाएगा तो a क्यूब और ऊपर ये एफ स्क्वायर और ये एफ क्यू हो जाएगा तो ये ये पूरा कट जाएगा ये तो वन बाई एफ बचेगा मतलब स्टार्टिंग टार्क क्या है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा हा? अगर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ बढ़ता जाएगा तो स्टार्टिंग टार्क भी क्या होता जाएगा घटता जाएगा यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो स्टार्टिंग टार्क यहाँ पर आया फ्रीक्वेंसी और बढ़ा तो स्टार्टिंग टार्क और कम हुआ फ्रीक्वेंसी और बढ़ा तो स्टार्टिंग टार्क और कम हुआ फ्रीक्वेंसी और बढ़ी तो स्टार्टिंग टार्क और मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्टार्टिंग टार्क क्या होता जाएगा कम होता जाएगा लेकिन लेकिन आपका मैक्सिमम टार्क वही रहेगा क्लियर है इस प्रकार फ्रीक्वेंसी का कम करने के बाद सिंकोन स्पीड कम होती है लेकिन मैक्सिमम टार्क कांस्टेंट रहती है और स्टार्टिंग टार्क इंक्रीज होती है क्लियर है अब बात करते हैं एट लो स्पीड की बात करते हैं लो स्पीड पर क्या है लो स्पीड टीवल टू थ्री अपॉन ओमेगा एस एस बी वन अपॉन आर टू डे क्योंकि आपने ये पाए अब यहां से इफ लोड क्या है आपका तो कांस्टेंट लोड आपका एस बी वन अपान एस बी वन अपानस ये क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट होना पड़ेगा ठीक है तो कांस्टेंट होने का अर्थ क्या है अगर स्लिप को टू क्या एनएस माइनस एनआर अपान एन एस स्क्वायर ओमेगा एस और यहां से आप ध्यान से देखिए ये भीवन स्क्वायर ये भीवन आ, 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 हाँ तो ये आपका यार ठीक है तो ये इस भीवन को आपने भीवन लिखा और इस ओमेगा एस को ओमेगा एस लिखा तो ठीक है यहां इसमें फ्रीक्वेंसी है और इसके अंदर भी फ्रिक्वेंसी है तो दोनों को हमने क्या लिखा एफ स्क्वायर लिख दिया और ये B1 को ऐसे लिखा एन एस माइनस एनआर स्क्वायर मतलब दोनों क्या है बराबर में बढ़ेंगे या घटेंगे तो बराबर रेशियो में बढ़ेंगे या घटेंगे इसका अर्थ है ये दोनों क्या होंगे, होंगे. दोनों का कांस्टेंट होने का अर्थ ये है कि ये आपका कांस्टेंट हुआ एनएस माइनस एनआर क्या होगा कांस्टेंट होगा अब आप, आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है इसका कहने का अर्थ ये है अगर आप क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एन एस बढ़ेगा ठीक है और उसी रेशियो में एन एस बढ़ेगा और रोटर भी कुछ तो आएगा तो इसको मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाए और इसकी स्पीड आए इसकी पंद्रह सौ आया और इसका चौदह सौ पचास आया मान लेते ऐसा हुआ आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया इसमें डिफरेंस कितना मिला 50 का मिला आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज होने पर क्या होगा एनएस क्या हो जाएगी और इंक्रीज करेगा मान लिया अब एनएस इंक्रीज होकर के कितना हो गया मान लेते हैं अब ये सोलह सो आरपीएम हो गया मान लेते हैं सोलह सो आरपीएम होने का अर्थ है अब जो एन आर होगा वो क्या होगा डिफरेंस हमें क्या होना चाहिए पचास होना चाहिए तो ये पंद्रह सो पचास आएगा क्लियर है तो यही बोलना चाह रहे हैं कि एन एस माइनस एन आर की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी मतलब फ्रीक्वेंसी को बदलिए या घटे घटाइए लेकिन एन एस माइनस एन आर क्या होगा कांस्टेंट होगा तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कल तीसरा हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर थर्ड स्पीड कंट्रोल पर हम लोग आगे पढ़ेंगे धन्यवाद नमस्कार